देखो इसी वक्त ये सो गया, उसको प्यार से उठाना पड़ेगा, नहीं तो नींद में एकदम से प्रिक होगा तो कहीं बहुत घबरा ना जाए। तो हो गया, लगवा ली इसको वैक्सीन, सो रहा है। बट सरप्राइजिंगली आज ज्यादा नहीं रोया है ये। कुछ कुछ चीजें हमें जो नई पता चलती हैं, हम सिर्फ देखते थे। डॉक्टर ओगरा ने आज हमें बताया कि 6 से 9 महीने की एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आप बच्चों को बहुत जल्दी इजिली, वीडियोस नहीं देखते कभी कभी आते हैं कि वो बच्चा खेल रहे हैं, प्रिक कर दिया, कभी कोई हंसता है, कोई रोता भी है तो बहुत थोड़ा सा। तो आज इसके साथ वैसे ही हुआ कि जब 30 सेकंड बहुत रोया और एकदम से फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। इससे ज्यादा वो लास्ट टाइम रोया था, लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा रोया था, जिसके बाहर निकला है आज हंसते हुए। इसका साइकिल बैठता है, सब पता चलेगा किसकी पसंद नापसंद, इसको क्या अच्छा लगता है, क्या स्वाद मजा आता है। मैं तो वेट कर रही हूँ ये कब प्रॉपर बैठने लगेगा विदाउट सपोर्ट के, तो वो चेयर पे बैठ के पूरा कचरा कर। रुखान की अचानक से हुई हालत ख़राब और दीपिका शुएब हुए बहुत ज़्यादा परेशान। ऐसे ही होता है कि रुखान का भी वैक्सीनेशन का टाइम है और ये वैक्सीनेशन अभी आगे भी होगी, तो इंशाल्लाह जब वैक्सीनेशन का वक्त ख़त्म हो जाएगा, सारी वैक्सीनेशन जितनी होनी चाहिए वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर ना बच्चा रोज़ रोज़ रोएगा ना ही पेन होगी। क्योंकि इस उम्र में जितनी भी वैक्सीनेशन बच्चे को लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं और वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी होती हैं। लेकिन इस वक्त दीपिका शुएब थोड़े परेशान ज़रूर होते हैं, क्योंकि जब रुखान को इंजेक्शन लगता है तो जब वो रोता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि माँ बाप है, एकदम दिल में हाथ पड़ता है कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर के लिए रुखान रोता है और बाद में अच्छे से खेलने लगता है। और सबसे अच्छी बात हमें जो खुशी भी होती है कि रुखान माशाल्लाह से मम्मी का फीड हो या छोटा मोटा खाना पीना माशाल्लाह से अच्छे से कर ले।